आज मैंने फूड कोर्ट में जो है दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन किया था, एक सॉल्ट और एक जो था बर्गर लैब। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि सॉल्ट जो है वो चपली कबाब दे रहा है और बर्गर लैब है वो मैंने मुझे उसी प्राइस में जो है वो जिंजर लिया था डबल डेकर। बहरहाल जमीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर आपको 550 में दो बर्गर खाने हो और 550 में एक अच्छा बर्गर खाना हो तो वो मैंने डिफरेंस बताया। सॉल्ट वाले 550 में दो बर्गर दे रहे हैं और लैब बर्गर लैब वाले एक बर्गर दे रहे हैं। बाकी हमारे भाई यहाँ खड़े हुए लकी वन में होते हैं ये, और ये होता है खाड़ी में, तो कभी आए तो इन भाई से भी जरूर मिल लीजिएगा। नाम आपका? मोहम्मद वारिस। तो इनसे मिल लीजिएगा तो बहुत अच्छा इखलाक है, बहुत अच्छी तरह मिले हैं इनसे भी ना। लकी वन जाना हो तो बहुत सारे ऑप्शन मिल ही जाते हैं खाने पीने के, सोचा 600 के अंदर कुछ अच्छा और ज्यादा खाया जाए, तो मेरी नजर पड़ी बर्गर लैब की डील, कुछ भी 4 रुपीज 550। सॉल्ट की सुपर सेवल डील 599 की, जिसमें दो चपली कबाब बर्गर्स और दो ड्रिंक दिए जा रहे हैं। नया पे से पेमेंट के बाद अपनी दोनों डील्स लेके मैं टेबल की तरफ चल पड़ा। सॉल्ट दो बर्गर्स इन 599 वर्सेस बर्गर लैब वन ह्यूज बर्गर ओनली 4 रुपीज 549। पहले मैंने सॉल्ट ट्राई किया। ये सॉल्ट का है चपली कबाब बर्गर और ये तकरीबन 550 में दो है। चपली कबाब के टेस्ट में मेरे ख्याल में देसी और विदेशी जो है वो कॉम्बिनेशन कभी चला नहीं है, ये भी पारे लिया। अच्छा, अब ये है बर्गर लैब, सॉल्ट से बेहतर है क्योंकि ये जिंदा है इसके अंदर। अच्छा, बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, नॉर्मल है, चलेगा। ये भी तकरीबन 550, ये सिंगल एक है, चपली कबाब दो से 550, साइज दोनों के अच्छे हैं, लेकिन बर्गर लैब वाला ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।